रिमोर्स के अंदर आओ पहले तो। भाई आ गई, भाई आ गई। अरे फुटो मत, अरे उठो, उतरो उतरो फुटोगे। इधर इधर भाई आप सुनते क्यों नहीं हो? अरे तू वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा वी आर लैकिंग इन समथिंग और वैसा कुछ नहीं है। मैं नहीं खेल रहा, जीरो के लिए मत खेलना बच्चों। भाई पिछले साल, हाँ पिछले साल 2019 में जब हम लोग ओआर में भर्ती हुए जब भर्ती हुए ना तब स्काउट ने आईएनडी छोड़ी थी। हम लोग ओआर में जब चारों रिक्रूट हो चुके थे तो स्काउट ने बोला था कि हाँ मैं ज्वाइन करता हूँ। चलो ठीक है, हमने इस बात पर ठीक है कि हाँ ज्वाइन करूँगा बात। लेकिन उसके बाद ना हमारा लाइन बढ़िया सेट हो गया पूरा, हम फिल्म पाल देने जिसमें दर्द कर दिए। तो स्काउट हमारे पास आया, हमने उसको ना कर दी कि नहीं अभी हम चारों ठीक हैं, अभी हमने नहीं लेना। सिंपल अरे शॉर्ट स्टोरी है भाई, बस यही। तो अरे उसके बाद थोड़ा ट्विस्ट आता है उसके बाद भी तो भाई ठीक है, उसके बाद हम अपना लाइनअप बना लिए, स्काउट अपना टीममेट बना लिया और वो फ्लैटिंग में चला गया। तो क्या उसके बाद दोबारा फिर स्काउट बोला, मतलब उसका इंटरनल हो गया होगा, दोबारा फिर बोलता के भाई मैं तेरे साथ लाइनअप में आना चाहता हूँ। और उस टाइम उसने बोला कि मेरे साथ एक बंदा है जो मैं साथ में लाना चाहता हूँ और वो था एंटो। तो उसने मेरे को बोला कि तू तो एंटो को रिक्रूट करवा, मैं 10 दिन में अपने फ्रेंडिक से बात करके और मैं आ जाऊँगा। तो उस टाइम आया हमारे एंटो सर को हमने रिक्रूट किया और उस टाइम भाई साहब को हिंदी भी नहीं आती। तो स्काउट की स्टोरी के साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि एंटो कैसे आया है। एंटो ने फनेटिक में ज्वाइन करना था लेकिन एंटो गुम्मा मोबार में आ गया क्योंकि वो स्काउट के साथ, स्काउट को वो अच्छा लगता था, स्काउट उसके साथ खेलना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ एंटो? उसके बाद वो याद है जब रंगन सर ने आया, वो रंगन सर और अभी उधर पार्टी हुआ। हाँ हाँ समझ गया। और उसके बाद स्काउट ने काफी टाइम पास किया कि शायद उसका कुछ इंटरनल इश्यू था जिस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, जब उसको फनेटिक छोड़ दी रही थी। तो भाई वो आया हमारे पास बूट कैंप पे, उधर बात बात हुई। तो उधर बात होती है कि हाँ चल स्काउट 10-7 दिन में इधर शिफ्ट हो जाएगा। और दोबारा फिर बूम बम, दोबारा फिर बूम बम। और उसके बाद पता चलता है सीधा 6 महीने निकल गए। तो भाई अब जाके थोड़ी बहुत सेटिंग हुई है लोन पे। और भाई एनिमीज अहेड, जैसे ही एंटो का सीन था वैसे ही किल था, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो भाई मैं हूँ एक इनोसेंट बच्चा, ये भी झूठ है। जो सबसे छोटा बच्चा है उसका 8 बजे चावू करने जाना है। गुलबिया रेगा इंस्पेक्शन कर, लॉबी इंस्पेक्शन कर, रुको रुको रुको, रेबल 3 नंबर, रेबल 3 नंबर दे देगा। ये क्या है, इसकी पिक्चर क्यों नहीं खुल रही रेगा? हेलो रेबल हटा उसको, रेबल ये देगा है कौन? अरे कोई भी हो, अरे हटा उसको रेबल। एक बार इसका डीपी देगा। स्काउट है टीम नंबर 11 में। ओ भाई पूरा स्काउट दूर से स्काउट लगा, भाई पूरा स्काउट लगा मेरे को। देखो देखो गाइस, देखो देखो स्काउट, देखो रेबल, ये देखो ये टाइगर उदास लग रहा है टीम नंबर 11 में, क्या हुआ इसको? नहीं नहीं वो रहेगा, फोटो मत खोलो। मगर गेस कैसे कर दिया भाई वो 30 लोगों ने? रेबल यार टीम नंबर 19 यार, कहां है मेरे को देख लेते पहले। गोल्डी भाई देखो टीम नंबर 19 देखो, गोल्डी भाई रहेगा कि भाई भाई है। गुल्लू दांत देख लो एक बार। रेबल
रेबेल। हाँ हाँ नहीं यार, आ गई बीवी आ गई। सूरज भाई वेलकम टू द रेगा फैम ब्रो। हटा हटा ए अरे स्काउट स्काउट अरे 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 टॉक भाई गोल्ड भी आ जस्ट क्या ही बोलूँ भाई। अरे अरे हाँ मेरे को आई एम स्क्रीमिंग। अरे अरे ये देखो भाई ये देखो ये व्हाट इज बिहेवियर यार। ये दे स्काउट दे देते ऐसे सीखे ये लोग। ये देख किक कर कर दिया हिल पे होते ना जो बैठते हैं नॉर्मल उसके अंदर आओ पहले तो भाई आ गई भाई आ गई भाई आ गई। किधर गई एनिमीज अहेड। हिल से कोई पिक नहीं लेता उधर क्या एनिमीज अहेड उधर बंदा मॉडल भाई किधर तो गई यार। यहां पे एनिमीज अहेड। सुनो यहाँ पे पूरा स्मोक्स हुआ है ऊपर 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 भाई प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे ऊपर किधर तो मकड़ी आई है। अरे नहीं करेगी कुछ मकड़ी कुछ नहीं करेगी ज्यादा से ज्यादा काटेगी। बुलाती बंद हो बोलती बंद हो जाए। थैंक यू मेरे भाई ब्रो। वही तो ब्रो फुल ट्राई करेंगे ब्रो हम बोल के नहीं इसलिए करके दिखाएंगे ब्रो। वो टाइम आएगा जब फुल बूम बम देंगे हम। अभी थोड़ा खतरनाक दिन चालू है। हाय ब्रो वी नीड टीएसएम टू बी चैंपियंस ब्रो। ब्रो अभी ये सिर्फ सुपर वीकेंड है मतलब कैसे कैसे होगा आपको एफ एफ रुको आपको सब सब कुछ समझा दो। अभी ये जो हुए मतलब अभी दो दिन के हुए ठीक है मैचेस वो मैचेस के सिर्फ मतलब टॉप 16 के लो होते हैं ठीक है। फिर टॉप 16 जो अभी जो सुपर वीकेंड होता है प्रीवियस वीक का सुपर वीकेंड ये वीक का और अगली वीक का सुपर वीकेंड के पॉइंट्स काउंट हो गए और वो पॉइंट्स मतलब डिसाइड करेगी टॉप 16 टीम फाइनल्स जो खेलने वाली है। तो सिर्फ मतलब वो है अपना फाइनल्स के लिए बट इसमें भी हम कुछ अभी ट्राई कर रहे हैं। हम थोड़ा वो मतलब लैक कर रहे हैं हम लोग में से अभी वही हम देख रहे हैं क्या क्या इशू हो रहा है। आपको बताया मैं कि हम लास्ट जून का अभी बच नहीं पा रहे तो हम वही अभी ट्राई कर रहे कुछ कैसे क्या सीन क्या मिस्टेक हो रही है अभी तो वही हम आइडेंटिफाई करके एक सोल्यूशन निकाल के फिर उस पर बूम बम देंगे। जब तक आप चिल करो आएगा आएगा अपना टाइम आएगा जो सबको समझ रहे हो ना एकदम एकदम ओल्ड ओल्ड टीएसएम आएगा आएगा अपना टाइम भी आएगा गाइस चिल करो। मॉर्फ टीम फकअप खेल रही है एकदम गंदा खेल रही है वाहियात खेल रही है मॉर्फ पता है मॉर्फ एकदम गंदी खेल रही है। तो भी क्या किया इंडोनेशिया की पेजेस ने वी आर विथ मॉर्फ क्यों किया क्योंकि भाई वहां पे खराब टीम खेलने के बाद उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि टीएसएम खराब खेली टीएसएम को गाली गॉडले खराब खेली गॉडले को गाली ओवर खराब खेली ओवर गाली भाई क्यों मुझे बताओ क्यों भाई। तुम ये नहीं लिख सकते कि भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ लिख सकते हो ना ये क्यों अब मैं देखता हूँ रजत गुप्ता फलाना नहीं ना फोर नोशन का देखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी का देखा है चैनल देखा है ना उन लोग को अगर कोई कंट्रोवर्सी लगता है ना उनका डीएम आता है कि ब्रो शुड आई कवर दिस ये गलत हो रहा है। Long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just want to make a sing. बंदे को लाने वाला हूँ जिसको आप भाई मैंने क्या देख लिया किसको ले आओ स्पेशली अबाउट फुटबॉल फैंस गाइस फुटबॉल फैंस आर गोना गो मैड ऐसे बंदे को आप स्क्रीन पे लेके आएंगे ना तो टेंशन में आ जाएगा भाई। टेन 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 वो ना इधर यार भाई इतना बोलूंगा उसके नाम में डी आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है बस इतना बोलता हूँ उसे कुछ नहीं बोलूंगा। और वो अटैकिंग मिडफील्डर एंड स्ट्राइकर खेलता है देखो इससे ज्यादा भाई कहीं तो मतलब भाई मैं दे ही नहीं सकता भाई अकेला तो और हाँ एक और हिंट देता हूँ उसकी जर्सी ब्लू है और वो कंट्री की जर्सी हो सकती है अपनी लीग की भी जर्सी हो सकती है ठीक है
वो जर्सी कंट्री की भी हो सकती है, नेशनल जर्सी भी हो सकती है, या फिर लीग जर्सी भी हो सकती है। और भाई नाम है तुला